रेल मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि रेलवे के फुट ओवर ब्रिज पर आज सुबह भगदड़ में मारे गए लोगों के परिजनों को 10-10 लाख रुपए का मुआवजा दिया जाएगा। पीयूष गोयल ने कहा कि राज्य सरकार ने मृतकों के परिजनों को 5-5 लाख रुपए अनुग्रह राशि देने की घोषणा की है और इतनी ही रकम मंत्रालय ने देने की घोषणा की है। इस तरह मृतकों के परिजनों को कुल 10-10 लाख रुपए का मुआवजा मिलेगा। इसके अलावा रेल मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि घटना में गंभीर रूप से हुए घायलों को 1 लाख रुपए और मामूली रूप से घायलों को 50,000 रुपए दिए जाएंगे। उन्होंने उपनगर ट्रेन नेटवर्क के सभी FOB की पूरी सुरक्षा और क्षमता जांच कराने की घोषणा की है। KEM अस्पताल में गोयल ने कहा कि घटना पर जांच रिपोर्ट 10 दिनों के अंदर आ जाएगी। हालांकि उन्होंने भगदड़ के शुरुआती कारणों के बारे में कुछ भी बताने से इनकार किया। उपनगरीय सेवा के प्रस्तावित उद्घाटन के लिए शुक्रवार की सुबह मुंबई पहुंचे रेल मंत्री ने घटना के मद्देनजर अपने सभी कार्यक्रम रद्द कर दिए हैं। घटना को दुर्भाग्यपूर्ण बताते हुए गोयल ने कहा कि एल्फिस्टन रोड पर नया पुल बनाने के लिए बजट का आवंटन हो चुका है। We'll be right back.